दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अमेजोन से आप पैसा कैसे कमा सकते हो। देखो सिंपल सी बात होती है, बहुत सारे प्रोडक्ट आप अमेजोन से जैसे परचेस करते हो और आपसे कोई पूछता है कि मैं कौन सा प्रोडक्ट परचेस करूं, आप उसको सलाह देते हो कि आप ये वाला ले लो, लेकिन अगर वो खरीद भी लेता ना तो आपको इसमें एक भी रुपया नहीं मिलता है। वो जिसने खरीदेगा उसका पैसा लगेगा और प्रोडक्ट उसके पास पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप अमेजोन पर अपना एक खुद का एफिलिएट अकाउंट बना लेते हो, उसके एसोसिएट अकाउंट क्रिएट कर लेते हो ना, फिर अगर आप किसी के साथ चीजें शेयर करते हो तो वहां पर आपको काफी अच्छा कमीशन मिल जाता है। या फिर अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो और वहां पर आपके पास थोड़ी सी भी ऑडियंस हो ना, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका फेसबुक पेज हो, चाहे आपका यूट्यूब चैनल हो, अगर आपके पास थोड़ी सी भी ऑडियंस है और आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हो और उन लोगों को दिखाते हो तो लोग आपसे पूछेंगे कि हम इसको कैसे खरीदे, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे देते हो। लेकिन अगर आप अमेजोन एफिलिएट अकाउंट प्रोग्राम के साथ जुड़ करके फिर आप लिंक वगैरह शेयर करते हो, लोगों को बताते हो कि आप ये चीज खरीद सकते हो, तो वहां पर आपको काफी अच्छा कमीशन मिल जाता है। देख सकते हो यहाँ पर टोटल मैंने अभी तक इससे इतना रुपया कमा लिया है और मैंने कुछ दिन पहले ही अपने अकाउंट बनाया हुआ है। और ऐसे यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर 10-10 हजार रुपया का महीना कमा रहे, 50-50 हजार रुपया का महीना कमा रहे, लाख लाख रुपये का महीना कमा रहे बिना कुछ किए। बस आपको अकाउंट बना लेना है और अपनी लिंक शेयर करना है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अमेजोन एफिलिएट अकाउंट बना सकते हो, कैसे आप अमेजोन एसोसिएट के साथ जुड़ सकते हो एंड कैसे आप अपना इस पर बैंक ऐड कर सकते हो ताकि जो भी आपका पैसा हो तुरंत आपके बैंक पर पहुंच जाए। और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा किस तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट की लिंक कैसे जनरेट करो, क्योंकि अगर नॉर्मल आप इस लिंक को कहीं शेयर करोगे तो आपको एक भी पैसा नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको यह भी बताऊंगा, सारा कुछ इसका प्रोसेस बताने वाला हूं, सारा पूरा ट्यूटोरियल फुल बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है अगर आप भी अमेजोन से कुछ पैसा कमाना चाहते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीके टेक्निकल भैया में। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर आपको सब कुछ अच्छे समझाने के लिए चलता हूं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको स्टेप बाय स्टेप सारा को समझा देता हूं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, एकदम बारीकी से मैंने सारा कुछ समझाया हुआ है। तो यहां पर आप देखो मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया। तो सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको सर्च कर लेना है अमेजोन एसोसिएट, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका फर्स्ट में आ रहा है अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहां पर आप देखेंगे अमेजोन एसोसिएट का पेज आपके सामने होम पेज ओपन हो चुका है। यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है साइन इन का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां से आपको इसको थ्री डॉट पर क्लिक करके सबसे पहले इसको आपको यहाँ पर जो डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपको इसको डेस्कटॉप साइड में कर लेना है। अब यहाँ पर देखो एक साइन अप का एक यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आपको साइन अप वाले ऑप्शन पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहले आपका साइन इन का आ रहा है कि अगर आपने पहले इसमें आपने कोई अकाउंट बना रखा है अमेजोन में, तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल दे देना या फिर मोबाइल नंबर जो भी हो, और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड दे करके सिंपल से इसको साइन इन कर लेना है। लेकिन अगर आप इसको नया बनाना चाहते हो, पहली बार बना रहे हो, तो क्रिएट ए न्यू अमेजोन अकाउंट पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपके सामने नाम और आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड दे करके यहाँ पर आप अपना नया क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मेरे यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पर मैं सिंपल सा अपना पुराना वाला जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड दे करके इसको साइन इन कर लेता हूँ। मैंने ईमेल आईडी पासवर्ड दे करके और साइन इन पर क्लिक करा। जैसे यहाँ पर मैं ये चीज़ करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो कि एक अमेजोन एसोसिएट का पेज यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाता है। एक प्रकार से ये आपका एक फॉर्म टाइप का होता है जिसमें आपके यहाँ पर कुछ चार स्टेप होते हैं जिनको आपको फिल करना होता है। सबसे पहले आपका यहाँ पर होता है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, फिर आपका होता है यहाँ पर वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप लिस्ट, उसके बाद आपका प्रोफाइल एंड आपका यह चौथा होता है। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ फिल करके बताने वाला हूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी बकाया नहीं छोड़ूंगा। मतलब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप बिल्कुल एक ही बार में सारा कुछ सीख जाओगे, दूसरा वीडियो आपको नहीं देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, आपका जो पहला ऑप्शन मिलता है वो आपका आता है इसमें पाई नेम, ठीक है। यहाँ पर आपका जो पाई नेम लिखना होगा ना, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान से समझना होगा। देखो यहाँ पर नीचे स्पष्ट लिखा है इंटर द नेम एग्जैक्टली एज इट अपीयर ऑन द बैंक अकाउंट दैट इज बैंक, मतलब कि आपका जिस भी बैंक को इसमें आप लास्ट में ऐड करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बैंक में जो भी पासबुक में आपका सेम टू सेम जो नाम लिखना हो वो सेम टू सेम यहाँ पर आपको नाम लिखना होगा, ठीक है, जिसके बैंक अकाउंट में पैसा जाने वाला है, जिसके नाम पर आप बना रहे हो, ठीक है। सेम टू सेम आपको यहां पर वही नाम देना होगा जो आपके पासबुक में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं नीरज का बनाने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैंने नीरज कुमार देखो लिख दिया, इनके पासबुक में सेम टू सेम यही नाम लिखा है। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस लाइन वन में, एड्रेस लाइन टू, एड्रेस लाइन थ्री, जितना आपका एड्रेस हो तो आपको इनमें से अपना एड्रेस फिल कर देना है। चाहो तो आप पहले वाले में फिल कर सकते हो, दूसरे आप छोड़ सकते हो अगर आपका ज़्यादा बड़ा एड्रेस नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिटी भरना होगा, जिस भी सिटी पर आप रहते हो, अगर आप सिटी पर नहीं रहते हो तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट भी लिख सकते हो, जिला भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट देना होगा, देन आपको यहाँ पर अपना पोस्टल कोड जिसको आप पिन कोड बोलते हो, तो पिन कोड यहाँ पर आपको फिल करके
कंट्री आपका ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है, ठीक है। तो चलो मैं इसको अपना पूरा फिल करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो मैंने सारा कुछ फिल कर दिया। अब यहाँ पर जो आपका अगला चीज मिलता है वो यहाँ पर लिखा है हु इज द मेन कॉन्टेक्ट फॉर दिस अकाउंट, मतलब इस अकाउंट का मेन कॉन्टेक्ट, मतलब अगर कभी अमेजोन कंपनी को आपसे कॉन्टेक्ट करना होता है तो वो किससे करेगा, आपसे ही करेगा या फिर समवन एल्स, किसी और से करेगा। तो यहाँ पर आपको खुद का बना रहे हो तो आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। दूसरा करोगे तो उनको कॉन्टेक्ट करने में आपसे थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेना है। देन अगली चीज़ आपकी आती है फॉर यूएस टैक्स पर्पस। तो ये देखो ये यूएस वालों के लिए है कि टैक्स फॉर भरने के लिए, तो ये तो हमारे मतलब का नहीं है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको देखो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर सिंपल सा क्लिक करना है। सो यहाँ पर आप देखोगे सक्सेसफुली अपना यहाँ पर अकाउंट इन्फॉर्मेशन वाला पेज फिल हो चुका है। अब यहाँ पर दूसरा फॉर्म आ चुका है, यानी कि दूसरी स्टेप आ चुकी है, वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप लिस्ट। देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, सबसे पहले देखो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ रहा है इंटर योर वेबसाइट और इधर आ रहा है इंटर योर मोबाइल ऐप। तो देखो अगर आप अपने वेबसाइट के लिए करना चाहते हो, अब वेबसाइट में आपका कोई भी लिंक हो सकता है, आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, आपका फेसबुक पेज हो सकता है, आपका इंस्टाग्राम हो सकता है, कोई भी चीज़ आपका यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर आपको लिंक को कॉपी करके और सिंपल से आपको पेस्ट कर देना होगा, या फिर अगर आप मोबाइल कोई एप्लीकेशन यूज करते हो उससे आप प्रमोट करवाना चाहते हो तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल का यूआरएल भी, मोबाइल एप्लीकेशन का यूआरएल भी दे सकते हो, ठीक है। मैं नीरज भाई के यूट्यूब चैनल का लिंक दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इनके जाता हूँ योर चैनल पर, योर चैनल के बाद ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ना ये आपका लिंक होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ से मैं सिंपल से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी करा, अब वापस से चलता हूँ मैं उसी पेज पर और वहाँ पर जा करके यहाँ पर आके आपको नीचे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक करा और पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो ऐड का ऑप्शन आ रहा है ऐड पर क्लिक करोगे तो ये देखो नीचे आपका चैनल का यहाँ पर आपका यूआरएल इसी तरीके से हो चुका है। अगर आपका कोई दूसरा चैनल है या फिर फेसबुक का है तो आप यहाँ पर कई सारे ऐड कर सकते हो और इस तरीके से यहाँ पर आप मोबाइल ऐप भी यूज कर सकते हो। तो मोबाइल ऐप तो मैं यूज़ नहीं करता, तो मैंने यहाँ पर आपका यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया। अब सिंपल से आपको नीचे आना है तो फिर से आपको एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखोगे आपका जो दूसरा वाला स्टेप था वो भी यहाँ पर सक्सेसफुली डन हो चुका है, कम्प्लीट हो चुका है। अब अपना आता है तीसरा प्रोसेस जो कि यहाँ पर देखो प्रोफाइल का है। प्रोफाइल वाले में थोड़ा सा आपको डिटेल देना होता है, तो वो भी मैं आपको बिल्कुल इजीली सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। देखो आप नीचे आओगे, सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज योर प्रेफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी। तो यहाँ पर देखो आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, तो यहाँ पर बस आपको नाम दे देना। जैसे यहाँ पर मैं नीरज वन लिख देता हूँ, वन एक्चुअली मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसके हो सकता है नीरज नाम से पहले भी बन चुका हो, क्योंकि जब इसमें हम बनाएंगे ना तो ऑटोमेटिक जब इसकी आईडी बनेगी तो आगे एक डैश लगा के और 21 करके आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया ताकि किसी के नाम से मैच ना हो, ठीक है। तो नीरज 1 मैंने लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, अपना नाम लिख सकते हो। और ये देखो योर वेबसाइट लिस्ट, यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दिखाई दे रहा है जो अभी हमने ऊपर पेस्ट करा था। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट आर योर वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप, ये जो आपका वेबसाइट आपने दिया है यहाँ पर ये किस टाइप का है, क्या है ये, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख देते हैं कि दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल, यहाँ पर मैं लिख दिया दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि यूट्यूब चैनल की लिंक यहाँ पर दी गई है। नीचे आपको आना है तो यहाँ पर आपको अगली चीज़ मिलती है विश, और देखो बिल्कुल ध्यान से समझना तो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं आपको बिल्कुल ठीक से समझाऊँगा, एक्सप्लेन करके समझाऊँगा तो सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अगली चीज़ है विश ऑफ द फॉलोविंग टॉपिक बेस्ट डिस्क्राइब्ड योर वेबसाइट, मतलब कि जो आपकी वेबसाइट है यानी आपने मोबाइल ऐप का जो भी चीज़ दिया हुआ है वो आपका यहाँ पर वो किस टॉपिक को यहाँ पर डिस्क्राइब करता है। तो देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलता है आपको सेकंड प्राइमरी टॉपिक, उसके बाद आपका सेकंड सेकेंडरी टॉप सिलेक्ट सेकेंडरी टॉपिक। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट प्राइमरी टॉपिक पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखो आपको अपने चैनल के एक प्रकार से कैटेगरी के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। तो मेरा तो चैनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से है तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपका किसी दूसरे के कैटेगरी अगर होती है जैसे पॉलिटिक्स हो गया, एजुकेशन हो गया, स्कूल जैसा न्यूज हो गया, ठीक है, तो आपको अपनी एक प्रकार से चैनल की कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। सेम टू सेम आपको दूसरे नंबर पे भी सिलेक्ट कर देना चाहो तो वही कर सकते हो, या फिर देखो यहाँ पर मैं बिजनेस भी कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा यूट्यूब चैनल है तो एक प्रकार से बिजनेस ही होता है। तो यहाँ पर मैंने अपने चैनल के बारे में दो कैटेगरीज एक प्रकार से इनको दे दिया, ठीक है, ये आप अपने चैनल के हिसाब से दे पाओगे। अब यहाँ पर देखो अगली चीज आती है What type of Amazon item do you intend of list on your website or mobile app? मतलब कि आप जो यहाँ पर इनका Amazon associate से इनका जो product है ना
किस टाइप का प्रोडक्ट इनका आप सेल करवाओगे। देखो यहाँ पर मैं बुक्स भी करवा सकता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें भी करवा सकता हूँ, और यहाँ पर मैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्यूटर एंड ऑफिस, होम, गार्डन, ऐसा कुछ यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पर सारे सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आपने इसको नहीं सिलेक्ट किया, इसको कर लिया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से सारे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखो मैंने सारे ही सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगली चीज़ आपका आता है व्हाट टाइप और योर वेबसाइट और मोबाइल, मतलब जो आपने वेबसाइट दी हुई है या फिर मोबाइल ऐप का जो लिंक दिया हुआ है वो आपका किस टाइप का। तो इसमें भी आपकी दो चीज़ आती है, सिलेक्ट प्राइमरी टॉप टाइप, सिलेक्ट सेकेंडरी टाइप। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट प्राइमरी टाइप पर क्लिक करना है, और इस पर आपको यहाँ पर जैसे कि मेरा तो टेक्निकल का चैनल है तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ जैसे यहाँ पर ये कंटेंट वेबसाइट। ठीक है, कंटेंट वेबसाइट मतलब हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं और वहीं से इनके प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया। और सेकंड नंबर में भी मैं यही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में मैंने सेम कर दिया। अब यहाँ पर आपका अगला चीज़ आता है ट्रॉफिक आप कहाँ से लाओगे, मतलब कि आपके YouTube चैनल पर ट्रॉफिक कहाँ से आता है, जो आपने URL दिया YouTube चैनल का उस पर ट्रॉफिक कहाँ से आता है। तो सिंपल सी बात है, आपका ट्रॉफिक यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग से आ सकता है, और यहाँ पर आपका SEO के थ्रू आता है, जो आप कीवर्ड डालते हो, आप यहाँ पर ब्लॉग के थ्रू भी आ सकता है। ये चीज़ें आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आपका ईमेल से आता है तो आप ईमेल भी कर सकते हो। ठीक है, डिस्प्ले अगर आप ऐड भी चलवाते हो तो वो भी कर सकते हो, अगर आप अपना गूगल एडवर्ड में प्रमोट वगैरह कराते हो तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अपने चैनल के हिसाब से इनको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो अगली चीज़ मिलती है, हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप जनरेट इनकम, मतलब आपकी जो इनकम है ना वो कैसे जनरेट होती है। तो सिंपल सी बात है कि अपनी जो जनरेट होती है वो अदर एफिलिएट प्रोग्राम आपको यहाँ पर कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट सेकेंडरी वाले में भी आपको यही कर देना है, अदर एफिलिएट प्रोग्राम में आपको कर देना है। देन आपको अगली चीज़ यहाँ पर आपको मिलती है, हाउ डू यू यूजुअली बिल्ड लिंक, मतलब जो आपने यहाँ पर लिंक है ना ये किस तरीके से आपको बिल्ड करना है। तो सिंपल सी बात है कि हम यहाँ से अमेजोन से कॉपी करेंगे और कहीं पर अब अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन वगैरह में जाकर के पेस्ट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आपको इसमें करना होगा ये वाला मैनुअली व्यूई टेक्स्ट एडिटर, ये वाला आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगली चीज़ आपका आता है, हाउ मैनी टोटल यूनिक व्यूवर्स डू योर वेबसाइट, मतलब आपके वेबसाइट पर जो आपने ऊपर लिंक दी हुई है उस पर कितने व्यूवर्स मंथली आ जाते हैं। यहाँ पर मंथ दिया हुआ है, तो मंथली मेरे चैनल पर जो व्यूवर्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं 50,000 से 5,00,000 के बीच तो आ ही जाते हैं, और इससे ज़्यादा भी हो जाते होंगे, लेकिन मैंने इतना ही सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये आपको अपने चैनल के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है कि मंथली लगभग कितने व्यूवर आपके चैनल पर आ जाते हैं, आपकी वीडियोज़ देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ है, व्हाट इज़ योर प्राइमरी रीज़न फॉर ज्वाइनिंग द अमेजोन एसोसिएट प्रोग्राम, आपका अमेजोन एसोसिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने का प्राइमरी रीज़न क्या है। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, इसको मोनेटाइज करना चाहते हैं तो टू मोनेटाइज माई साइट। ठीक है, ये चीज़ आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन अगली चीज़ आपका आता है, हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, मतलब उनका कहना है कि आपने हमारे बारे में कैसे सुना, कहाँ से सुना। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर ऑनलाइन सर्च कर सकते हो कि हमने आपका ऑनलाइन सर्च के द्वारा सुना। ठीक है, बस आपका ये सारा कुछ देखो यहाँ पर फिल हो चुका है, जो भी आपका यहाँ पर प्रोफाइल वाला ऑप्शन था। अब नीचे आपको यहां पर एक कैप्चा मिलता है, तो इस कैप्चा को आपको सेम टू सेम यहां पर फिल कर देना है। तो कैप्चा को यहां पर मैं फिल करता हूं, सेम टू सेम जो आपका ऊपर दिया है वही चीज़ आपको यहाँ पर लिख देना है। तो देखो यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, शायद गलत ना हो जाए क्योंकि थोड़ा सा ये अजीब टाइप से लिखा होता है, तो ये मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। देन आपको यहाँ पर इसमें टिक करके और यहाँ पर जो आपका फिनिश का ऑप्शन मिलता है आपको फिनिश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अगर आपने सारा कुछ सही से भर दिया होगा तो आपका देखो ये भी हमारा प्रोफाइल वाला ऑप्शन यानी कि थर्ड ऑप्शन भी, थर्ड स्टेप भी डन हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पर हमने तीन स्टेप डन कर लिए। अब यहाँ पर चौथा स्टेप आता है, लास्ट स्टेप आता है, स्टार्ट यूजिंग एसोसिएट सेंट्रल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका जो मैंने बताया था कि यहाँ पर एक आपका एसोसिएट प्रोग्राम का जिस इसका एसोसिएट आईडी होती है ना, यूनिक आईडी देखो बन चुकी है, यहाँ पर आ चुका है नीरज 10A21 करके। ठीक है, इतनी आई है, तो ये आपका यहाँ पर कुछ इसका काम होने वाला नहीं है, ऊपर आपका शो करेगा जब भी आप होम पेज पर जाया करेंगे। तो यहाँ पर आपका देखो आईडी ये आपका जनरेट हो चुका है। देन आपको नीचे आना है और यहाँ पर देखो आपसे पूछ रहा है इंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना कि यहाँ पर हम अपना पेमेंट प्रोसेस भी फिल करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको एक बार पासवर्ड देना होगा, तो जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट करा था सिंपल सा आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड पहले दे देना। ठीक है, तभी आप यहाँ पर पेमेंट मेथड को कर पाओगे। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले टू स्टेप वेरिफिकेशन भी करवाएगा, आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया होगा तो वहाँ पर आपका एक OTP जाएगा, तो OTP के थ्रू मैं इसको पहले वेरीफाई कर लेता हूँ। तो सेंड OTP पर मैंने क्लिक कर दिया, तो OTP यहाँ पर मेरे दूसरे फोन पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं OTP फिल कर देता हूँ।
37874 17, ठीक है। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर आपको साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक, कुछ इस प्रकार के पेज अब आपके सामने आ जाता है योर पेमेंट मेथड कर करके। तो यहाँ पर देखो आपका सबसे पहले स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें आपका जब तक 1000 अर्निंग नहीं हो जाती है, मतलब आपका यूट्यूब चैनल की तरह होता है जैसे कि आपका जब तक $100 कम्प्लीट नहीं होता तो आपका पेमेंट नहीं आता, सेम इस तरीके से यहाँ भी है कि जब तक आपका इसमें 1000 रुपया मिनिमम नहीं हो जाता तब तक आपको यहाँ पर पैसा नहीं मिलता। जैसे आपका जिस मंथ 1000 रुपया हो जाएगा सक्सेसफुली, आपको अगले मंथ किसी भी दिन आपका पेमेंट आपके बैंक पर पहुंच जाएगा। अगर किसी मंथ आपका 1000 नहीं कंप्लीट हो पाया तो आपका अगले मंथ मिला करके दोनों मंथ का एक साथ मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर सिंपल सा इसके ऊपर एक बार क्लिक करोगे तो यहां पर आपके सामने अब आपका बैंक डिटेल फिल करने के लिए ऑप्शन आ चुका। तो यहां पर मैं फटाफट से बैंक डिटेल भर देता हूं। सबसे पहले देखो बैंक लोकेशन तो ऑटोमेटिक इंडिया सिलेक्टेड है, एंड यहाँ पर बैंक करेंसी तो इंडियन रुपीज़ भी ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। यहाँ पर मुझे भरना होगा सबसे पहले बैंक अकाउंट होल्डर नेम, जो भी बैंक जिसका मैं नीरज भाई का यहाँ पर अकाउंट ऐड करने वाला हूँ, नीरज भाई का अकाउंट बना रहा हूँ, तो यहाँ पर नीरज भाई का जो भी अकाउंट नंबर होगा तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इनका सॉरी जो भी इनका नाम है बैंक अकाउंट में सेम टू सेम वो दे देता हूँ, और यहाँ पर इनके अकाउंट नंबर देके वापस से अकाउंट नंबर देके, और यहाँ पर बैंक का नेम जो भी बैंक होगा उसका नाम, और यहाँ पर आईएफएससी कोड डाल करके, और यहाँ पर सिंपल सा सबमिट एंड कंटिन्यू विथ टैक्स इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करूँगा तो इसका बैंक ऐड हो जाएगा। चलो यहाँ पर मैं फटाफट से सारा कुछ यहाँ पर भर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारा डिटेल भर दिया, अब यहाँ पर मैं सबमिट एंड कंटिन्यू विथ टैक्स इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक करा तो आप देखोगे कि सक्सेसफुली यहाँ पर आपका बैंक भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी यहाँ पर आपका बैंक ऐड कर दिया ना आपने, जो भी आपका पेमेंट होगा वो सक्सेसफुली आपके बैंक पर पहुँच जाया करेगा। ये पूरी तरीके से आपका अमेजोन एसोसिएट वाला पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है, और यहाँ पर देखो आपका जो आईडी जनरेट हुआ था वो आईडी यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन कुछ आ रहा है तो यहाँ पर मैं अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये देखो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर सिंपल से आपको यहाँ पर होम वाले ऑप्शन पर चलना है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे अमेजोन एसोसिएट से यहाँ पर आप जो भी अर्निंग वगैरह किया करोगे सारा कुछ यहाँ पर आपका शो कर जाएगा। देखो यहाँ पर आपका सबसे पहले बाहर आया हो तो यहाँ पर सारा डिटेल दिखाई दे रहा है। ये देखो यहाँ पर जो भी आपका अर्निंग हुआ करेगा, टोटल अर्निंग, टोटल शिपिंग और टोटल आइटम, कितने क्लिक्स आए, कितनी जो भी चीज़ होगी ना यहाँ पर आपका इस ग्राफ में शो कर जाएगा, ठीक है। कितना लोगों ने यहाँ पर आपका क्लिक करा, कितने लोगों ने यहाँ पर आपका परचेस करा, कितना प्रोडक्ट का पहुँचा, कितना कमीशन मिला, सारा कुछ डिटेल यहाँ से आप देख पाओगे। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आपको लिंक कैसे इसमें जनरेट करना होगा, ठीक है। अमेजोन से कैसे आप किसी भी प्रोडक्ट की लिंक लोगे, मतलब किस तरीके से आपकी खुद की लिंक जनरेट करना होगा। अगर नॉर्मल आप लिंक लेके पेस्ट कर देते हो, कहीं शेयर कर देते हो, तो उसका आपका एक भी कमीशन नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको किस तरीके से लिंक लेना होगा वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर आपको देखो चलना होगा अमेजोन पर, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको बैक करता हूँ और यहाँ पर मैं चलता हूँ amazon.in पर। तो देखो यहाँ पर आपका amazon.in खुल चुका है, और यहाँ पर आप जब पहले इसको ओपन कर रहे थे तो आपका ये वाला पट्टी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा था, जो आपका ये पट्टी पूरी दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखो कि सबसे पहले ये आपका amazon associate आपका बन चुका है, ये आपका यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको कोई भी लिंक जनरेट करना होगा। देखो इसको बिल्कुल सिंपल तरीका है, जैसे यहाँ पर मैं किसी भी प्रोडक्ट को सर्च कर लेता हूँ। मान लो यहाँ पर मुझे कोई मोबाइल पसंद आ गया, और ओप्पो रेनो 6 जो मैं मोबाइल यूज करता हूँ उसी को सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ओप्पो रेनो 6 सर्च किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ओप्पो रेनो 6 मोबाइल आपके सामने आ जाएगा। तो जैसे आप इसको सर्च करोगे तो ये देखो यहाँ पर आपके सामने ये मोबाइल आ चुका है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर जो एक आपको ऑप्शन आ रहा है गेट लिंक का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये देखो आपके सामने एक लिंक जनरेट हो गई है। अब इस लिंक को आपको सिंपल से यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। ये जो आपका लिंक है ना इसको आप कॉपी करके, और जहाँ आप चाहो अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ फेसबुक चैनल, जहाँ चाहो वहाँ आप इसको पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और अब इस लिंक पर जब भी कोई क्लिक करेगा ना तो उसके सामने यही वाला मोबाइल ओपन हो जाएगा। और होगा क्या कि यहाँ पर आप देखोगे कि अगर इसमें आपका 24 घंटे के लिए होता है, 24 घंटे के अंदर अंदर इस लिंक पर किसी ने क्लिक करके और अपने अमेजोन पेज पर पहुंच गया, उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर जरूरी नहीं है कि वो यही मोबाइल खरीदे, कुछ भी वहां से आपका खरीद ले तो उसका आपको कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। ये इसकी खासियत होती है, ठीक है। बस किसी तरीके से आपके लिंक से वो अंदर पहुँच जाए, उसके बाद आपका कुछ भी वहाँ से वो खरीदेगा तो उसका आपको कमीशन मिल जाएगा, और वो कमीशन आप सक्सेसफुली आप अपने यहाँ से जा करके अर्निंग वाले ऑप्शन पर जा करके देख सकते हैं कितना आपका क्लिक आया, कितने लोगों
मैंने, कितना लोगों का ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया, कितना आपका कमीशन मिला, सारा कुछ किस प्रोडक्ट में आपको कितना कमीशन मिला, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप नीचे जा करके सारा कुछ आप एनालाइज कर पाओगे, सारा कुछ देख पाओगे, ठीक है। सो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, अपनी खुद की लिंक जनरेट करके कहीं पर भी शेयर करोगे तो आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाएगा। जैसे आपका 1000 रुपया हो जाता है तो आपके बैंक पर तुरंत ही पहुंच जाता है। सो आई होप कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना जो वाकई में कुछ ना कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, अमेजोन के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं, आप किसी की हेल्प करना चाहते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आपका OTP पहुंच जाता है। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो या का छ। हाँ तो सब्सक्राइबर मिल रहे बे। ओ हां जलवा मिल ले को आते बीके टेक्निक वाली की बात कर रहे था। मैंने कहा हाँ बस मान ले तो आया ठीक है। ओ ठीक बाय।